सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई होप मेरे तरह हो गए, बढ़िया ही हो गए, बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये जो आज हम कर रहे हैं ये है चार कमानियाँ ट्रेलर की। तो दोस्तों ये हमारे जानने वाले हैं मेरे से, तो बड़े मतलब फादर के मतलब फ्रेंड हैं, तो अंकल उनकी मतलब ट्राली बन रही है, मतलब जो ट्रेलर बनाते हैं तो वहाँ पर तैयार हो रही है। तो उनका मिजाज ऐसा है, मैं आपसे सारी चीज़ शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो उनका जो माइंड है ना वो ऐसा है कि कंपनी से भी कमानियाँ आती हैं, तो आप लोग भी मतलब कमानियाँ लेते होंगे, तो लेकिन जो कंपनी से आती है ना, ठीक है, आदमी कह देता है कि नहीं है, नई कमानियाँ हैं और तो वो बढ़िया होती होंगी दम दिलवा, लेकिन दोस्तों मैं भी इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। मतलब कबाड़ी से पट्टे लो, चाहे उसमें नरम है चाहे सख्त है, ये मोटे पट्टे लो देखकर। और जो ये अंकल लेकर आए हैं ना, तो मतलब ये लेके आए हैं चार कमानियाँ, रेड़े में रख के आई थी और मैं आपको बताता हूँ। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट, एक तो दोस्तों टेस्ट हो जाता सारे पट्टों का, और मतलब कि कोई पट्टा कहीं से क्रैक ना हो, कोई कम ज़्यादा किसी में। अब जो नई कमानियाँ आती हैं, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से सारे पट्टे एक जैसे ही आते होंगे। और दूसरी बात, वो महंगी बहुत पड़ती हैं दोस्तों। अगर हम नई चेजिस की कमानियाँ मतलब कहीं से लेते हैं, कंपनी से, फिटेड कंपनी से, मतलब ट्रेलर की कमानी, तो वो एक तो कॉस्टली पड़ती हैं, ये सस्ती भी पड़ती हैं, लेबर वगैरह सब सामान लेने के बाद ये सस्ती पड़ती हैं कमानी। मुझे ये तो नहीं पता होगा कितने की, मतलब सस्ती पड़ती हैं। तो वो अंकल लेके आए हैं, तो ये कमानियाँ उनकी ट्रेलर बन रहा है, तो वो कह रहे थे अभी 7-8 दिन हैं हमारे पास आराम आराम से। तो मेरे सामने तो वो फ्रेम वाली गाड़ी खड़ी है, उसमें भी काम करना था, वो तो आप वीडियो देख चुके हो। तो इधर मैंने कहा चलो वो फ्रेम तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले कमानी इसका दम दे देते हैं। मैं फ्री था क्योंकि उसका भी काम काफ़ी था, तो फ़िलहाल तो हम कमानी में दम दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसमें ट्रेलर में जो कमानियों में हम दम देते हैं ना, उसमें अब जो मेरे भाई मिस्त्री हैं, देखो हर स्टेट से आप लोग हो, कोई अरुणाचल प्रदेश है, कोई MP, कोई कहीं से, कोई कहीं से, मतलब इंडिया के कोने कोने से आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो देखो हमारे यहाँ तो ऐसे दम दिया जाता है, चलो ये भी बात आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये मैंने मशीन को तेल दिया है क्योंकि थोड़ी मुझे ऐसे लग रहा था टाइट चल रही है, चलो ऑयल तो दे दिया। तो सर मैं बात बता रहा था आपको कि हमारी जो ये आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप लोग बहुत दुनिया नहीं कह सकते, मतलब इंडिया के कोने कोने से, चलो दुनिया ही कह लो क्योंकि बाहर के देशों में भी वीडियो देखी जा रही है, तो मतलब हर जगह अलग अलग तरीके का दोस्तों तड़ दिया जाता है। कई तड़ बोलते हैं, कई दम देते हैं, मतलब बोलते हैं, तो हम तो यहाँ दम बोलते हैं, तड़ भी कह देते हैं। तो दोस्तों जो दम दिया जाता है ना, वो दिया जाता है मतलब सिरे हल्के से मोड़कर और बीच में से गोल। अगर सिरे नहीं भी हल्के से मोड़ोगे, मतलब हल्की सी मूछ समझ रहे होगे, हल्का सा नीचे, लेकिन मैंने तो इसको गोल ही दम दिया है बीच में से और साइडों में से। दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीका है दम देने का। और कई क्या करते हैं, बीच में से तो दम उठा, मतलब दम नहीं देते जहाँ पे सुराख होता है, और वहाँ से दम नहीं देते और साइडें इतनी उठा देते हैं, वो मूछ वाला दम बन जाता है। तो दोस्तों ये मूछ वाला दम आज से कोई लगभग 30-35 साल पहले हमारे फादर के टाइम जब देते थे, लेकिन जब देना क्यों छोड़ दिया लोगों ने, जब ट्रेलर में नहीं, जब 6-चक्की गाड़ी होती थी, 12-10 गाड़ी होती थी, 13-12 गाड़ी होती थी, डंडा मर्सिडीज़, अगर कोई मेरा भाई मिस्त्री कोई 30-35 साल पुराना होगा तो उन्हें पता होगा इन गाड़ियों का, आज के लड़कों को या नहीं पता होगा इस चीज़ का। तो दोस्तों उसमें जब हमारे फादर हमें बताते हैं कि जब उसमें गाड़ियों में अगर हम मूछ वाला दम दे देते थे ना, तो गाड़ियाँ पलटने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी, गाड़ियाँ पलट जाती थी उससे। तो खैर अब वो जहन में दिमाग में बैठी हुई है, तो अब हम टचवुड बाबा जी की कृपा से, जब तक ये कमानी में हमने जब से भी दम देना स्टार्ट किया ना गोल, चाहे कोई भी हो, तो खैर 10 चक्का हो, 12 चक्की, 14-16 चक्की ट्रेलर हो, तो हम उसमें सब में मतलब गोल ही दम देते हैं। तो इन्होंने अंकल ने जो ट्रेलर बन रहा है, इन्होंने अंडरलोड ही गाड़ी चलानी है, तो उनसे पहले मैंने पूछ लिया अगर ओवरलोड चलनी हो तो दोस्तों उस हिसाब से ज़्यादा दम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, ये यहाँ पर बैठ के आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें पट्टा मैं बचा भी था, वो पट्टा लगते लगते मेरे बचा था, क्योंकि मशीन है हल्का सा, भी बाल भी बहुत बड़ा है, जो हमारे सिर का बाल होता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा है, अगर इतना भी बाल जितना भी हल्का सा क्रैक हुआ ना,
तो ये पट्टा मशीन छोड़ेगी नहीं, मतलब एकदम झटके से तोड़ देगी। और यहाँ मिला के मुझे जब से वो पट्टा टूटता, देखो डर तो रिस्क तो हर काम में रहता है, पुराने पट्टे हैं अगर नए हों तो बेझिझक आदमी मिला देता है, टूट तो नए भी जाते हैं, हमने नए भी पट्टे टूटते हुए बहुत देखे हैं, लेकिन ये है कि पुराने पट्टों ना नीचे से घिसे हुए होते हैं पट्टे, तो अगर घिसे हुए हमने हल्का सा वो आगे पीछे दब गया ना वहाँ से, तो वो दोस्तों एकदम टूट ही जाएगा। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे, डर तो लगता है छोटे पट्टों में ज़्यादा लगता है, बड़े पट्टों में नहीं लगता, क्योंकि छोटा पट्टा दोस्तों हाथ बिल्कुल नज़दीक होता है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, काम तो सारे ही करने हैं, ऊपर वाले का नाम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो लेकिन ये है कि जब भी आप दम दिलवाओ, अगर कोई मेरा ड्राइवर भाई वीडियो देख रहा है, अगर आप कमानी में दम दिलवाओ तो मतलब गोल दम दिलवाओ, मतलब मूंछ वाला मना कर दो आप दम। और अगर कोई भाई मेरा मिस्त्री भाई कोई वीडियो देख रहा है, तो आप जब भी दम दो, चाहे 10 चक्का है चाहे ट्राली है कोई भी हो, तो उसको आप गोल दम दो, बीच में से भी साइडों से भी, मतलब बराबर दम दो जैसे ये मैं दे रहा हूँ, तो उससे आपको गाड़ी का मतलब जो सस्पेंशन होगा ना वो बड़ा अच्छा चलेगा और जंप भी अच्छा मिलेगा। ये दम बहुत कम टूटता है, जो मूंछ का दम होता है ना दोस्तों उससे गाड़ी पलटने का डर रहता है, जो पहले होता था सेम आज भी वही कंडीशन है। देखो ट्रेलर में अगर आप मूंछ का दम दे दोगे, चलो पलटेगी तो नहीं वो, लेकिन उसमें पट्टे फंसाने की बहुत दिक्कत आ जाती है। पहले 6 चक्की गाड़ी बहुत पलटती थी, और अगर ट्रेलर में हमने मूंछ वाला दम दे दिया तो उसमें फिटिंग की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, पट्टे फिट करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मुश्किल तो इनमें भी होती है, लेकिन ये हो जाते हैं क्योंकि ये गोल है दम, वो मूंछ वाला दम होता है। तो खैर ठीक है, जो देता है जैसे है वो भी सही है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये गोल वाला दम सही चलता है मोस्टली। यहाँ पर 90% मिस्त्री सब भाई लोग मेरे ऐसे ही दम देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका है दम देने का। तो चलो ये दोस्तों, ये तो कमानी मिलने वाली है, तो ऐसी दोस्तों 4 कमानी अंकल लेकर आए थे, तो 4 कमानी बस उसके बाद दम देने के बाद इसमें क्लिप वगैरह भी लगेंगे जो भी है, और उसके बाद बस फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों जो आप कमेंट करते हो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका सबका, तो आपके कमेंट भी अभी हम पढ़ेंगे। और दोस्तों ये अब जो हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये ठीए मैंने, हमने 3 तरह के ठीए, मतलब 4 कोने होते हैं ना, तो मतलब एक छोटा साइज़, ये बड़े वाला साइज़ है, मतलब इसमें गैप पट्टे को ज़्यादा मिल जाता है तो उसमें दम जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों उसमें पट्टा ये काफ़ी हार्ड था, बहुत देर में पट्टा ये, मतलब प्रेस से भी बहुत देर में दबा, कई बार ऐसा घन से तो मिल ही नहीं सकता, प्रेस से भी मुड़ने में इसे बहुत टाइम लगा। अब मैं यूँ डर रहा था, मैं कहा अगर बाई दबे हल्का सा मैंने और प्रेस कर दिया तो देखो जो हार्ड होता है ना वो कंच की तरह टूटने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। तो फिर मैंने इसे कहा जो आज पहले हम घन से देते थे ना, तो वो ठिया तो ऊपर कर उसमें मिलाता हूँ मैं, तो उसने विपिन ने वो पलट के जो पुराना खांचा जिसमें हम घन से पट्टे मिलाते थे, तो वो बिल्कुल सही आया, सेट बैठा है, और इसमें कोई पट्टा टूटेगा भी नहीं क्योंकि उसमें गैप नहीं है, बहुत हल्का हल्का गैप है और उससे पट्टा सही मिलेगा। ये मैंने अब सही पोजीशन में कर दिया, अब उसमें गैप जितना चाहिए था मुझे मिल गया, पहले मैंने सिंपल वाला करा था अब घुमा के मैंने इधर कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, देखते रहिए आप वीडियो, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और आपके जो कमेंट हैं लविंग कमेंट जो आप करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट, वो भी आपके पढ़ेंगे और आपकी बातों का जवाब भी देंगे। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और दोस्तों जब ये कमानी बंद जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी गलती मत करें बांधते वक्त। जब कमानी बांधते हैं ना हम, फिट करते हैं गाड़ी में, फिटिंग नहीं, जिस टाइम हम पट्टे बांध के सेंटर बोल्ट डाल के रिपट लगा के जब हम फिटिंग करेंगे, मतलब पूरी कमानी बांधेंगे सेंटर बोल्ट से, मतलब उस टाइम एक गलती मत करें, वो ज़रूर करें आप जो मैं बताऊँगा, बस वो चीज़ मतलब याद रखना उस चीज़ को। तो जब मैं इसे बांधूंगा तब आपको बताता हूँ वो बात। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
लीजिए दोस्तों, कमानी का लास्ट पट्टा है, कमानी बिल्कुल मिल चुकी हैं और चारों कमानी हम ऐसे ही मिलाएंगे जैसे ये मिलाई है। दोस्तों कमानी मिलाने के बाद इन पर निशान जरूर लगा लें, मतलब अगला हिस्सा या पिछला, क्योंकि अगर पट्टा घूम गया तो मज़ा नहीं आएगा। पट्टा घूमने से मतलब होता है कि दोस्तों जहाँ पे हमने सेट करके मिलाए हैं ना, वहाँ पर अगर आगे पीछे हो जाए, कई बार ये हो जाता है, निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर पता लग जाता है कि सारे पट्टों की दिशा एक साइड में है, समझ गए ना दोस्तों। और ये हम क्लिप लगा रहे हैं, क्लिप भी जो इसके मालिक हैं जो लेकर आए पट्टे, तो वो अंकल भी क्लिप मतलब पुराने ही ले आए, मतलब सारी चीज़, मतलब वो देखो आज के टाइम पर जितना पैसा बचाया जा सके, मैं भी इससे एग्री हूँ, उसको बचाओ चाहे जैसे भी है। ये नहीं है कि अब हम लखपति हैं, करोड़पति हैं या जो भी हैं तो पैसा उड़ाओ यार, मतलब ठीक है जहाँ तक पैसा बचता है यार बचाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा ये तो है नहीं कोई पेड़ों पे उगता है, ठीक है ना, सब पैसे के लिए ही काम करते हैं। तो चलो ये तो अलग बात है। तो अब हम फिटिंग करेंगे कमानी की, और दोस्तों जो मैं आपको बात बताने वाला था वो ये थी, चलो मैं बताता हूँ, इसको फिट कर लें दो। तो दोस्तों वो ये थी कि मैंने अभी भाई को कहा था, मैं कहा भैया ग्रीस ले आओ, तो जब तक ये कमानी बंद की थी तब तक वो भाई ग्रीस नहीं लेके आया था, तो जो इससे अगली कमानी में दम देने के बाद बांधूंगा उसमें मैं ग्रीस लगाऊंगा। और मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा पुरानी कमानी में तो जो हम आप ये चेजिस में मतलब ट्रेलर के लिए तैयार करवा रहे हो, तो इसमें पुराने पट्टे हैं, ग्रीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पट्टे हल्के हल्के जंग तो होते ही हैं, देखो पुरानी कमानी है तो जंग माड़ा मोटा लगा होता है, तो अगर आप हल्की सी ग्रीस लगा दोगे तो उसमें चिकनाहट भी होगी और गाड़ी में सस्पेंशन भी बढ़िया चलेगा, नहीं तो जब ये ऊपर नीचे होंगे तो चूँ चूँ की आवाज़ भी आएगी और पट्टे भी मतलब ख़राब हो सकते हैं, उसमें टूटने का डर रहता है, अगर ग्रीस लगी होगी तो टूटने का खतरा कम रहता है। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब जो दूसरी कमानी भी मैं दम दूंगा, उसके बाद फिर फिटिंग करके उसमें भी हम ग्रीस लगाएंगे, तो कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों हमने दूसरी कमानी भी मिलानी स्टार्ट कर दी है। और एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप कमानी मिलवाएं, मतलब चाहे कोई मेरा ड्राइवर भाई है चाहे मिस्त्री भाई है, मतलब एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, अगर मिस्त्री भाई है तो जब भी आप कमानी में दम दो, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा पट्टा ऊपर का मेन पट्टा होता है ना, चाहे कोई भी गाड़ी है, ट्रेलर है या कोई भी 10 चक्का 12 15 चक्की कोई भी है, 16 चक्की सॉरी 15 नहीं, तो मतलब जब भी हम कमानी में दम दो तो उसको दम नाप के दो। कई बार हमारे यहाँ पर मिस्त्री हैं, मतलब काफ़ी वो भी पापा की तरह काफ़ी उम्र के हैं, तो वो दम देते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो दोस्तों वो करते हैं मतलब कि अंदाजे से ही मतलब कमानी में दम दे देते हैं, तो दोस्तों उसका नुकसान गाड़ी वालों को ये होता है कि कई बार बहुत मैंने चांस देखे हैं कि गाड़ी मेरी दम देने के बाद भी भैया इधर की साइड दब रही है। जब भी कोई बात हो तो हमारे पास कई गाड़ियाँ आती हैं तो वो कहते हैं सर दम दिलवाया, अभी 2 महीने हुए हैं तो गाड़ी मेरी इस साइड लटक कर चल रही है, अभी मज़ा नहीं आया। तो वो दोस्तों देखो जो अंदाज़ा होता है ना, अब कोई ये तो है नहीं हमारा दिमाग कंप्यूटर है कि अगर उसमें भी हमने 6 इंच दम दिया तो सारों में एक बराबर हम बिना नाप के 6 इंच आ गए, हाँ आ गया जी आ गया, इतना कोई वो देखो मैं दम नाप रहा हूँ तो बराबर का दम सारी कमानियों में बराबर का, तो फिर उससे क्या होता है कि दोस्तों बराबर चलती है गाड़ी। कई बार आपने देखा होगा कि आपने अगर तड़ लगवाया या दम दिया और उसके बाद भी गाड़ी हल्की सी किस साइड में दब रही है या झुक रही है, कंडक्टर साइड या ड्राइवर साइड, तो इस चीज़ का वो होती है दिक्कत, तो इससे बचने के लिए आप दम नाप के दो जब भी दो। और दोस्तों ओवरलोड में अगर गाड़ी चलानी है तो उस हिसाब से ज़्यादा दम दिया जाता है, और अगर आपको अंडरलोड गाड़ी चलानी है, अभी एक अंडरलोड गाड़ी चलनी है तो इसमें लिमिट का मतलब एक हिसाब होता है दम देने का, तो इसमें इतने इंची दम दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 4.5 इंच दम बहुत है अंडरलोड के हिसाब से, ओवरलोड चलानी तो और बढ़ा लो उसको, वो अपनी हाथ में है वो तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मैं इस चीज़ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जो अंदाजे से दम देते हैं वो चीज़ सही नहीं है। जो हम ये कमानी दोस्तों करते हैं ना, अब ये फिटिंग करने के बाद भी मैं इनका दम नापूंगा, तो जिसका दम थोड़ा सा दो सूत भी या एक सूत भी ज़्यादा हुआ वो हम कंडक्टर साइड रखवाएंगे। वो मैं जिस रेड़े में रख के वहाँ जाएगी ना ये, मतलब जहाँ पर ट्रेलर बन रहा है, ये जितनी कमानियाँ बन के जाएंगी तो मैं उस पर लिख कर भेजूँगा कि ये दो कमानी कंडक्टर साइड, जिसमें हल्का सा दम। देखो दोस्तों, जब खींचते हैं पट्टे 19-21 हो जाते हैं तो फ़र्क कितना रहता है। अगर किसी में बंधने के बाद कोई 6 या 7 इंच दम हुआ तो उसमें एक आधा सूत का फ़र्क ऊपर नीचे हो जाता है। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी कर दो, लेकिन एक आदत बनी हुई है मेरी जिसमें दम ज़्यादा होता है वो फिर मैं कंडक्टर साइड करवा देता हूँ। तो मैंने इसे विभिन्न को कहा तो पहले फिटिंग कर दे सारी, और उधर मैं दम दे रहा हूँ, इधर ये फिटिंग, दो कमानियाँ तैयार हैं, तीसरी मैं कर रहा हूँ, तो सारी कमानी हमने ऐसे ही तैयार कर देनी है। और तो ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं आपके कमेंट, बहुत देर हो गई, और आइए दोस्तों आपके कमेंटों का सीजन जो है सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं शौंकी PV90, तो ये लिखते हैं, पाजी बहुत वधिया कम करते हो तुसी, बाबा जी चढ़दी कला रखण जी। तो आपको भी शौंकी PV90, आपको भी बाबा जी चढ़दी कला रखें, बहुत बहुत धन्यवाद वीर थोड़ा। तो उस तो बाद है मिलन डेका, पाजी काम बहुत अच्छा हुआ, मैं भी घोड़े कमानी का काम करता हूँ पाजी, वीडियो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू बहुत बहुत। और उसके बाद हैं पुरुषोत्तम टंडन, सर जी आपका काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इनके बाद कमेंट है दीपक पाटीदार, नाइस वीडियो वीर जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका दीपक भाई। और उनके बाद है धीरज राजपूत, सर बिग फैन, बहुत बहुत बिग फैन। और उसके बाद बिग सा, आपको धन्यवाद धीरज भाई। उसके बाद है लवी एंड ईशर, ये मेरे भांजे हैं, तो इनका भी बहुत सारा प्यार आप सबको। और उसके बाद हैं धीरज राजपूत, सर मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वहाँ से आप वीडियो देखते हो हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और अगले हैं जगदीश लाल जी, भाई जी अगर ग्रीस टाइम से हो, सर्विस टाइम से हो, तो कुछ भी ख़राब नहीं होता। बिल्कुल सर सही कह रहे हो, 25-18 गाड़ी लोकल पंजाब में चलती है, 6 साल बाद घोड़े के 4 बुश लगे। तो सर ये तो रख रखाव का है, तो मैंने पहले ही कहा है कि रख रखाव का फ़र्क होता है, अगर आप सही से गाड़ी को चलाओगे और ग्रीस टाइम से कराओगे तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों जगदीश लाल जी कहते हैं कि अंडरलोड गाड़ी चलती है दोस्त, जो जगदीश लाल जी मैंने जिस गाड़ी का ये फ्रेम करा था जिसकी आप बात कर रहे हो, ये घोड़े मुर्गे हो रहे थे, मतलब 6 महीने पहले मैंने उन्हें कहा था, तो उसमें ये गाड़ी चलती है ओवरलोड, ओवरलोड में ग्रीस कराई ना कराई तो उसमें चीज़ें तो कटती हैं, तो ये चीज़ होता है। तो अगले जो हैं हमारे प्रकेश अहिर जी, सत श्री अकाल पाजी, आप नरेश जी जांगड़ा मालाराम जी, इन्होंने बहुत सारे बंदों के नाम लिखे हैं, तो मैं तो चलो जानता नहीं, उतनी सफाई से करते हो दिल खुश हो जाता है, काम तो दुनिया में सभी करते हैं मगर आप हटके हो, दिल से शुक्रिया करते हैं, आपका बिजनेस ऐसे ही दिन दुगना रात चौगना चौगनी बढ़ता रहे, वाहेगुरु का आशीर्वाद आपको ऊपर सदैव बना रहे। कुछ लिखे हुए गलती हो तो माफ़ करना छोटा भाई समझ के, सर छोटा भाई हो बड़े भाई हो कोई बात नहीं, माफ़ करने वाले हम तुम कौन होते हैं, वो तो ऊपर वाला बैठा है, लेकिन आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा पढ़ के दिल बहुत खुश हुआ, तो धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। और उसके बाद हैं धीरज राजपूत जी, एक बार दोबारा कमेंट करते हैं, सर काम करता वेग आप फ़ोन नहीं उठा सकते, आप अपने लिए हेडफोन ले लो। सर हेडफोन तो मेरे पे 3-3 है, मेरे पे दिक्कत कोई नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन काम करते वक्त ये चीज़ करने का मन नहीं करता। धीरज भाई आप एक बात बताओ, अब उधर तो हेडफोन लगाओ, उधर मैं कमानी का काम देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम, या क्या कर रहे हैं, मशीन पे जनरेटर चल रहा है, बहुत काम होते हैं, उधर मैं हेडफोन लगा के बाय द वे किसी का काम, और वो आगे पीछे अगर मशीन में हाथ आ जाए और या फिर गाड़ी के नीचे हम दिमाग कहीं और चला जाए, किसी से हम बात कर रहे हैं, तो वो देखो 19-20 लेने के देने पड़ जाते हैं फिर उस चीज़ में, ऊपर वाला ना करे खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, तो इसलिए हेडफोन मैं यूज़ नहीं करता। हेडफोन हैं 3-3 हैं, 2 हेडफोन हैं पगड़ी के ऊपर से लगाने वाले हेडफोन हैं, ईयरबड हैं, सब चीज़ हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, दिल से धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये कमानी से रिलेटेड थी
मतलब जब भी मैंने इसकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अगर आप कमाने में दम दिलवाते हो तो ऐसे दिलवाएं। अगर आपको आज की वीडियो और बातें मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और इससे मेरी आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।